प्रदेश में कृषि आधारित सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए 2 नवंबर से 4 नवंबर तक इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में खाद्य प्रसंस्करण से संबंधित विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। प्रदेश खाद्यान्न, दुग्ध उत्पादन, बागवानी के साथ साथ कृषि प्रधान क्षेत्र में आता है। प्रदेश में खाद्य प्रसंस्करण की बढ़ी संभावनाएं हैं। किसानों की आय बढ़ाने के लिए इन उद्योगों पर काम करना होगा, जिससे रोजगार के भी अवसर बढ़े। प्रदेश को 2027 तक $1 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था का लक्ष्य प्राप्त करने में ये उद्योग महत्वपूर्ण भूमिका अदा करेंगे। उद्यमी महासम्मेलन एवं इंडिया फूड एक्सपो 2022 का उद्घाटन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ करेंगे। इस आयोजन में कई संस्थान सहयोग कर रहे हैं। एक राष्ट्रीय स्तर का फूड प्रोसेसिंग के ऊपर एग्जीबिशन लगाया जा रहा है और इसमें देश के सभी प्रतिष्ठित जो प्रतिष्ठान है फूड प्रोसेसिंग और एग्रो प्रोसेसिंग से जो जुड़े हुए हैं वो लोग इसमें शिरकत कर रहे हैं, इसमें वो भाग ले रहे हैं। जैसे CFTRI मैसूर, पोटैटो रिसर्च इंस्टीट्यूट जो है आपका मोदीपुरम का, ये सारे लोग इस वर्कशॉप में आएंगे और इसमें लगभग 1500 जो फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री से जुड़े हुए काम करने वाले लोग हैं प्रदेश के, वो भी आएंगे इसमें। जो प्राइम मिनिस्टर FME स्कीम जो है जिसमें फूड मैन्युफैक्चरिंग के लिए MSME को फंड किया जाता है, उनके जो बेनिफिशियरीज हैं जिन्होंने अभी पिछले 1.5-2 सालों में लोन लिया है, वो भी उनको भी आमंत्रित किया गया है ताकि वो भी आकर देखें कि किस लेवल पे फूड प्रोसेसिंग का काम किया जा सकता है। तो ये बेसिक पर्पस था कि इसको ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाया जाए। हमने अनुरोध किया है कि आप अपने इस सालाना कॉन्फ्रेंस में भी ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में कितना इन्वेस्टमेंट आपके मेंबर्स के द्वारा लाया जा सकेगा उस पर फोकस करिएगा ताकि हम लोग उसको लिस्ट आउट कर सकें और उसके MOUs जो हैं हम समय से रेडी कर सकें। और जो एक प्रदेश का लक्ष्य है कि हम बहुत बड़े स्तर पर इन्वेस्टमेंट स्टेट में लेकर के आए, उसमें MSME की भी एक बड़ी भूमिका हो, उसके लिए हम इसमें लगातार प्रयासरत हैं। हमारी फैक्ट्रियां आलू अगर होता है कुमाई में या मुक्ता होती है अपनी किसी तहसील में, उस जगह फैक्ट्रियां लगे तभी हम उसका जितना ट्रांसपोर्टेशन का मूल्य कम कर पाएंगे उतना ही किसानों को उसकी ज्यादा फायदा मिलेगा।